उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पार्टी इनेलो की कमर 2024 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से टूट चुकी है। 2019 में जिस तरह की हालत इनेलो की हुई, उसके बाद एक छोटी सी उम्मीद इनेलो और इनेलो पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं को थी बीएसपी के साथ गठबंधन करके किसी तरह से जो अस्तित्व या यूं कहे कि राजनीतिक जमीन हरियाणा में वो खो चुके हैं उसको वापस पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्थिति यह आकर खड़ी हो गई कि 2024 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ दो ही सीटों पर पूरी की पूरी पार्टी सिमट गई। लेकिन इस सब के बीच अब एक बड़ा संकट इनेलो के ऊपर है, वो है इनेलो का चश्मा यानी कि उनका सिंबल छिन जाने का। दरअसल चुनाव आयोग के कुछ नियम हैं तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, इन्हीं नियमों के तहत इनका रजिस्ट्रेशन और इन्हें सिंबल दिए जाते हैं और जो सिंबल इन पार्टीज को दे दी जाते हैं और जो पार्टी चुनाव आयोग के नियमों को पूरा कर देती है तो वो सिंबल इन पॉलिटिकल पार्टी के लिए परमानेंट हो जाते हैं, जैसा कि आप देखते ही हैं, जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, INLD हो, JJP हो या तमाम और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जिनके सिंबल अब लगातार हर चुनाव में एक जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इनेलो के सामने संकट यही आकर खड़ा हो गया है कि जो वर्षों से चश्मे के निशान पर यानी कि सिंबल पर चुनाव लड़ती आ रही पार्टी क्या 2019 के चुनाव में बगैर चश्मे के चुनाव मैदान में होगी? और अगर चश्मा इनेलो के पास नहीं होगा तो जो धुंधली पड़ चुकी राजनीतिक राह है वो कैसे देख पाएगी, क्योंकि पार्टी अब पूरी तरह से यूं मानिए कि लगभग लगभग खत्म होने के कगार पर है। कोशिश अपने आप को रिवाइव करने की इनेलो पार्टी और इनेलो पार्टी के सुप्रीमो अभय चौटाला लगातार कर रहे हैं, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरह से वो पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हो। लेकिन आपको ये बता दें कि इनेलो के सामने सिंबल खोने का जो संकट है वो आखिरकार क्यों आया और कौन से ऐसे नियम है चुनाव आयोग के जिन्हें इनेलो पूरा नहीं कर पाई और 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में JJP के सामने भी ये संकट गहरा सकता है, यानी कि JJP की भी चाबी जो है उनसे चुनाव आयोग छीन सकता है। आज बात करेंगे हम कि इनेलो से छीन जाएगा चश्मा और JJP की चाबी पर भी संकट मंडरा रहा है और ये संकट क्यों मंडरा रहा है इस पर बात करते हैं। दरअसल जो नियम है चुनाव आयोग के, पहले वो समझ लें, उससे पहले आपको बता दें कि 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को कुल वोट का कितना प्रतिशत मिला था, यानी कि जो कुल वोट पोल हुए थे उसमें से इनेलो कितने लेने में कामयाब रही थी। तो 2019 की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2.44% वोट पर पूरी की पूरी इनेलो पार्टी हरियाणा में सिमट गई थी, यानी कि जो टोटल वोट प्रतिशत पोल हुआ था उसका सिर्फ 2% यानी कि 2.44% ही इनेलो को मिला था। इसके बाद अभी के चुनाव की बात करें जो कि 2024 के हैं, इसमें 4.14% पर पूरी पार्टी सिमट गई, यानी कि जो चुनाव आयोग का नियम कहता है कि कितना वोट प्रतिशत होना चाहिए उसी के बाद आपका सिंबल बच सकता है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के एक्ट 1968 की धारा 6A यानी कि 6A और सी के तहत दी गई शर्तों को पूरा अगर कोई पार्टी नहीं करती है तो उनसे उनका चुनावी सिंबल चुनाव आयोग ले लेता है और इसमें जो वोट प्रतिशत होता है वो है 6%, यानी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करने होते हैं, अगर इससे कम वो वोट हासिल करती है तो चुनाव आयोग इनसे सिंबल ले लेती है और ऐसा 2019 और 2024 में इनेलो के साथ हो चुका है, यानी कि दो टर्म के चुनाव में वो 6% पर नहीं पहुंच पाए हैं किसी भी चुनाव में। तो ऐसे में अब इनेलो के सामने ये संकट गहरा गया है कि उनकी पार्टी से ये सिंबल छीना जा सकता है, जबकि इनेलो के सुप्रीमो अभय चौटाला कहते हैं कि ये तमाम तरह की बातें बकवास है, उनका सिंबल उनसे कहीं भी नहीं जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के नियम है और इन नियमों को अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो आप समझिए कि चश्मे के बगैर ही इनेलो को फिर अपनी राजनीतिक राह आगे ढूंढनी होगी, जो वैसे ही बहुत ज्यादा धुंधली हो चुकी है, कुछ भी क्लियर उसमें दिख नहीं रहा। इसके अलावा अगर JJP की बात करें तो 2019 के लोकसभा और विधानसभा में आयोग की 5 में से 2 शर्तें JJP को पूरा करनी होगी तभी उनकी चाबी भी बच सकती है। तो अभी इनेलो के पास 2029 तक का समय है, जब तक उनके पास उनकी ताले की चाबी है यानी कि उनका सिंबल इनके पास बचा हुआ है और अगर 2029 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में 5 में से
दो शर्तें अगर पूरा नहीं कर पाती है तो चाबी भी इनसे छिन जाएगी, जिसमें कि दो शर्तों में है, एक तो कुल वोट का प्रतिशत और इसके अलावा जो विधानसभा हो या लोकसभा हो उसमें जीत के नंबर, यानी कि विधानसभा में कितनी सीटें जीतते हैं या लोकसभा में कितनी सीटें जीतते हैं। अगर ये दोनों नियम भी पूरे कर देते हैं पांच में से तो सिंबल जेजेपी का बच जाएगा, लेकिन अगर जेजेपी ऐसा नहीं कर पाती है तो आप समझिए कि जेजेपी के सामने भी ये संकट आन खड़ा होगा। खैर, इनेलो के सामने फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो संकट भरी है। 2019 से या यूं कहें कि उससे पहले से ही लगातार ही इनेलो का डाउनफॉल चल रहा है और अब तो ये समझिए कि लगभग लगभग जीरो पर इनेलो पार्टी आकर खड़ी हो गई है और जेजेपी की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि 2019 में इनेलो से अलग होकर नई पार्टी बनी थी और 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2024 में इन भाई लोगों का जो नंबर था वो जीरो रह गया, यानी कि 90 में से सिर्फ जीरो जेजेपी के हाथ लगा। वहीं इनेलो के लिए इतनी राहत भरी खबर जरूर रही कि 2 सीटें जीतने में पार्टी कामयाब हुई, लेकिन अपना सिंबल बचाने के लिए उसे जो वोट प्रतिशत चाहिए था वो नहीं मिला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।